वो इतने समर्पित व्यक्ति है कि उन्होंने 7 साल से गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करते करते गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाने की जो हम बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने सही दिशा में उसको लेकर के गए हैं। मैक्सिमम गन्ने के अंदर उत्पादन कैसे लेना, जैसे सूरत के अंदर 30 टन गन्ने का एवरेज उत्पादन है, तो भरत भाई ने उनके बंधु को सिखाया और उन्हें एक परिवार के बंधु है उनके मित्र, उनको मैं मिला हूँ, 78 टन गन्ना लिया उन्होंने। पहले हमारे पास एक गाय माता थी, आज हमारे पास 24 जितनी गाय माता है, तो इतनी छोटी जमीन में भी हम इतनी गाय माताओं को रख, एक ही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा हमको देसी गाय का गौमूत्र मिले और गोबर मिले। वाल पापड़ी बोलते हैं उस पर, जो देसी वेराइटी थी उस पर प्रयोग किया तो उसमें बढ़िया सा परिणाम मिला। जो लश्कर ईयर जो इल्ली बोलते हैं तो वो आई थी, तो वो बिल्कुल अच्छा पान बना और लास्ट तक उसका पान की वही तरक्की रही। और बाजू वाले पॉट में हमने नहीं डाला गौ का अमृत, तो उसमें सब इल्ली आके उसको खत्म कर गई, खा गई। पहले तो हम 1-2-3 पर करते थे, अब ये पूरी वाड़ी है हमारी जी। तो ये जो लास्ट 3 ईयर हो गई, ये पूरा हम उसका उपयोग करते हैं। मिर्ची का जो पाक है उसमें खास पान को कड़वा, और अभी मूंग में भी पान को कड़वा जाता है, कोई भी पाक में अभी जो पान उड़ जाते हैं तो उसमें हम गौ कृपा का और छांस का प्रयोग करते हैं, तो उससे उसका बढ़िया परिणाम है। मिर्चे में जो मिर्चे की मिर्ची की जो साइज भी बढ़ जाती है और पान बिल्कुल हरा भरा और लंबा रहता है, क्योंकि केमिकल से भी इतना फसल का रख रखाव नहीं होता, वो काम हमारा गौ कृपा से होता है। अभी तक 4,500 जितने खेड़ों 4,500 फार्मर लोग यहाँ से ले गए, हमारा ऑन रिकॉर्ड है जी। और उसका पूरा एक फॉर्म उसका बनाते हैं जी जी। और ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये सभी जो आम के पेड़ है ना, उसके नीचे भी हल्दी लगाई है, तो एक इसीलिए कि उसका जो आयुर्वेदिक जो खास करके असर है वो आम के फलों में भी मिले। बंटी की जो साइज है, जो ये 7-12 विस्तार में ये 2 से 2.5 फीट का होता है बंटी जी। और उसकी जो कंटी की साइज है वो भी 4 इंच जितनी। तो ये गोबर ज्यादा गौ कृपा ज्यादा मिला, तो उससे क्या हुआ 4.5 से 5 फीट का जो बंटी साइज हो गई, बंटी की साइज, और उसकी जो उसका जो थर्ड है तो ये वो भी अंगूठा जितना बड़ा हो, और जो कंटी की साइज है वो एक बैलेंस जितनी 6 इंच जितनी बढ़ गई। तो ये उससे हमको ये बात अभी समझ में आ गई कि जितना ज्यादा से ज्यादा देसी गौ माता का गोबर डालो, ज्यादा से ज्यादा गौ कृपा अमृतम डालो, और ज्यादा से ज्यादा आम के पौधे में भी जितना जहाँ पे ज्यादा डाला था उस पर ज्यादा फसल टिकती है। श्री गोपाल भाई को विनती की तो हमको निःशुल्क नंदी मिला था, हमारे से बाजू वाली अभी गौशाला है, यहाँ से ठाकल वहाँ पर भी एक हमारा बंसी गौशाला से नंदी आए, निःशुल्क में आया। ऐसे ही धर्मपुर की एक गौशाला है मुरलीधर गौशाला, वहाँ पर भी निःशुल्क नंदी मिला है। तो यहाँ ये पूरा हमारा जो यूनिट है, हम यूनिटी में सब मित्रों काम कर रहे हैं। शिक्षण जगत से है आप, तो जैसे कि वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ किसानों को पढ़ाते हैं आप, और प्राकृतिक खेती की शिक्षा देते हैं। आप सब इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और हम भी इस तरह गौशाला में लग जाए, गोआदत खेती करें, गौ माता को अपने गौ माता को परिवार का सचे माने। धन्यवाद, जय गौ माता। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बात करेंगे माननीय भरत भाई की, आज आप बात करीशु भरत भाई ने। तो आज जो हम बात करने जा रहे वो इतने समर्पित व्यक्ति है कि उन्होंने 7 साल से गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करते करते गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाने की जो हम बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने सही दिशा में उसको लेकर के गए हैं। और कई आदिवासी बंधु के घर में बहुत अच्छा आदर्श जीवन जी करके और उन्होंने प्रेरणा दी है कि भाई किस प्रकार गाय का सानिध्य में सुखाकारी आ सकती है। गौ कृपा अमृतम से उन्होंने कृषि करना और बड़ी मात्रा में उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। तो भरत भाई ने आम, चावल, मिलेट्स, अलग अलग कई प्रकार के प्रयोग किए और कई लोगों को प्रेरणा दी हो, और गाय का संवर्धन भी अच्छे से कर रहे। और हकीकत के अंदर ऐसा कहा जा सकता है कि एक आदर्श परिवार कैसे जीवन जीता है, तो बिल्कुल वो पूरा सह परिवार, पूरा परिवार गाय की सेवा में और गाय आधारित कृषि की सेवा में लगा हुआ है। तो मैं भरत भाई को विशेष धन्यवाद कहूंगा कि गौ कृपा अमृतम और गाय के विषय को कृषि के अंदर से सही से जोड़ना उन्होंने साकार किया है। और इस साल में बड़ा एक योजना बनाने का भी उनका है कि भाई मैक्सिमम गन्ने के अंदर उत्पादन कैसे लेना, जैसे सूरत के अंदर 30 टन गन्ने का एवरेज उत्पादन है, तो भरत भाई ने उनके बंधु को सिखाया और उन्हें एक परिवार के बंधु है उनके मित्र, उनको मैं मिला हूँ, 78 टन गन्ना लिया उन्होंने, और उन्होंने गुड़ बनाया तो लगभग 7 लाख का गुड़ निकाला। तो भरत भाई की प्रेरणा से ऐसे ऐसे सुधार हुए हैं, और काफी उनके मित्र है, वो भी हमारे मित्र है,
रॉबिन भाई है और दूसरे है, तो हकीकत में उनके साथ में काम करने को बहुत आनंद आता है। तो आइए आज अनुभूति हम लेते हैं माननीय भरत भाई की। और भरत भाई अच्छे से संवर्धन का काम, कृषि का काम और आदर्श किसान कैसे जीवन जी सकता है उसका एक अच्छा रोल मॉडल बनाया है। तो हृदय पूर्वक भरत भाई और उसके परिवार और उनके सभी मित्रों को मैं धन्यवाद कहूंगा। आइए सुनते हैं भरत भाई को। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर महुआ तालुका और सनवल्ला गाँव के अंदर नंदनवन प्राकृतिक कृषि केंद्र। तो हमारे साथ में है भरत भाई, जिनका गोपाल विहार शिविर में उल्लेख करते हैं आम के अंदर खूब अच्छा परिणाम लिया है और यहाँ पे गोकृपा अमृतम का काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं और यहाँ से निःशुल्क वितरण भी होता है। तो आइए हम जानते अपने भरत भाई से कि उनका क्या अनुभव रहा, क्या विशेषता है। भरत भाई जय गो माता, आपने गोकृपा अमृतम कब से उपयोग करना शुरू किया? 2018 में हम जब रामोद गए थे जी, तो रामोद का प्रवास हम आए थे जी, तो मेरा धर्म पत्नी, मेरा बड़ा लड़का और मेरे साथ में हितेश भाई, महेश भाई, भावना बेन, लता बेन सब हम थे। तो बंसी गौशाला की चलो मुलाकात करके आते हैं जी। उस टाइम पर वहां से हमको ये जो चार बोतल गौ कृपा अमृत, तो उसका प्रयोग धीरे धीरे हमने शुरू किया जी। शुरुआत जो थी हमने जो वाल पापड़ी बोलते है उस पर जो देसी वेराइटी थी उस पर प्रयोग किया, तो उसमें बढ़िया सा परिणाम मिला। जो लश्करी ईयर जो इल्ली बोलते हैं तो वो आई थी जी। तो जो जिसमें जो गौकृपा अमृतम डाला तो वो बिल्कुल अच्छा पान बना, तो लास्ट तक उसका पान की वही तरक्की रही। और बाजू वाले प्लॉट में हमने नहीं डाला गौकृपा अमृतम, तो उसमें सब इल्ली आके उसको खत्म कर गई, खा गई। तो तब से मेरा विश्वास बढ़ गया। बाद में मैंने आम के पौधे में पण ये प्रयोग किया है। और आम के पौधे में तो मेरा ये मेरे पिताजी की वाड़ी है पहले से, तो उसमें बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले से मेरे पिताजी ने कुछ पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डाले। बीच में जो खेती करते थे तो खाद डालते थे, रासायनिक खाद। तो जब से हम खेती करते हैं तब से वो भी बंद कर दिया। और गौ कृपा अमृतम और देसी गाय का गोबर, पहले हमारे पास एक गाय माता थी, आज हमारे पास 24 जितनी गाय माता है। तो इतनी छोटी जमीन में भी हम इतनी गाय माताओं को रखने का एक ही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा हमको देसी गाय का गौमूत्र मिले और गोबर मिले। किसान, तो उससे हम ये जो अभी चालू किया है तो उसका गौमूत्र से हम जो कीट नियंत्रक बनाते हैं तो वो हम खुद भी वो उसको उसको उपयोग करते हैं। और लोग किसान भी जो किचन गार्डन जो प्राकृतिक कृषि करते हैं वो लोग भी ले जाते हैं। तो साथ साथ में जब से हमने गौकृपा अमृतम का प्रयोग किया तो ये खास करके हॉपर के बारे में आम के पौधे में, आम के फसल में आते हैं, आम के फसल में आते हैं और ये साउथ गुजरात में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये गौकृपा अमृतम ये हमको बढ़िया सा लगा, उसका परिणाम बढ़िया लगा, उस जो आम की साइज भी बढ़िया बनी और उसकी फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी रही। हाँ, गोपाल भाई शिविर में आपका उल्लेख करते हुए दिखाते हैं बढ़िया सा आम तैयार हुआ, तो ये है ना। तो तब से ये गौ कृपा अमृतम के बारे में हम ये बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि अभी पहले तो हम एक दो तीन पर करते थे, अभी ये पूरी वाड़ी है हमारी। तो ये जो लास्ट तीन ईयर हो गई ये पूरा हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर, तकरीबन आप लगभग 5-6 साल से इसका उपयोग करते हैं, तो आपको विशेष क्या अनुभव रहा और कौन सी फसलों में प्रयोग किया आपने? जैसे कि जो हॉपर के बारे में आम के पौधे में, और ग्रोथ कोई भी पान जो नीचे पौधा में नीचे डालो तो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है जी। उसका जो जो मूली वगैरह का जो रोग आते हैं तो उसमें बढ़िया सा परिणाम है। मेरा एक मित्र है वो वहाँ जो गणदेवी शुगर का डायरेक्टर, तो ये गौकृपा अमृतम वो ले गए और उसके तुलसी के पौधे के अंदर डाला 250 ml जितना, तो उसका पूरा पत्ता खिल गया। तो उसको ये पूरा विश्वास आ गया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये सबको बताते हैं और ऐसे तो कई किसान मित्रों हैं जो ये ले जाते हैं कि जो मूल के बारे में जो रोग का, और खास करके जो मिर्ची का जो पाक है उसमें खास पान कोकड़वा, और अभी मूंग में भी पान कोकड़वा जाता है, कोई भी पाक में अभी जो पान सिकुड़ी जाते हैं तो उसमें हम गौ कृपा का और छांस का प्रयोग करते हैं, तो उससे उसका बढ़िया परिणाम मिलता है। मिर्चे में क्या लाभ हुआ आपको? मिर्चे में जो मिर्चे की मिर्ची की जो साइज भी बढ़ जाती है और पान बिल्कुल हरा भरा और लंबा रहता है। जैसे कि आप लोगों ने, दूसरे लोग ऐसे भी समझते हैं कि उसमें कोई ना कोई केमिकल डाला होगा, क्योंकि केमिकल से भी इतना
फसल का रख रखाव नहीं होता, वो काम हमारा गौ कृपा से होता है। मैं इधर कहना चाहूँगा किसान मित्रों, मिर्ची की फसल में हाईएस्ट पेस्टिसाइड का उपयोग होता है और इसमें कुकड़वा आने के बाद कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कई किसानों की मिर्ची की फसल करना ही छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश वगैरह तो वहाँ बहुत मिर्ची की फसल होती है, तो सबका ये आते यही बताते हमने मिर्ची की फसल छोड़ दी। इसमें आपने बहुत उत्तम एक प्रयोग किया, अच्छा परिणाम लिया। गोपाल भाई कहते हैं कि पहले थोड़े में प्रयोग करो, फिर अनुभव अच्छा लगे आगे आगे बढ़ते जाओ। तो थोड़ा करो लेकिन सही करो, पूरा करो, जो 5 चरण है उसको पूरा फॉलो करो। तो ऐसे ही भरत भाई ने थोड़े में प्रयोग किया, उनको विश्वास आया तो आगे आगे बढ़ते गए, सब जगह प्रयोग करते हैं। पर तो मेरा एक प्रश्न है कि आपको ये अच्छा लगा, लोग देखने भी आते होंगे, आते हैं तो सबको आप देते हैं यहाँ से कल्चर? हाँ, गौ कृपा अमृतम हम निःशुल्क देते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। कितने पहले 1 लीटर देते थे, आज हम 5 लीटर देते हैं। 5 लीटर देते हैं और अभी तक 4,500 जितने खेड़ों 4,500 फार्मर लोग यहाँ से ले गए और वो उसको भी बोलते हैं कि आप भी दूसरे के दो और उसका रिकॉर्ड रखो, मगर कोई रखते हैं कोई नहीं भी रखते। आपने रखा हमारे है? हमारा ऑन रिकॉर्ड है जी। और उसका पूरा एक फॉर्म उसका भराते हैं जी जी, और ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बहुत सुंदर, तो बढ़िया सा ये है। जो लोग आते हैं देखने के लिए ले जाते हैं। यहाँ जो दक्षिण गुजरात की खास करके परिस्थिति क्या है कि किसने प्रयोग किया है उसमें परिणाम मिला है, वो दो बात देखते हैं। वो दो बात यहाँ देखने को मिलते हैं, वो लोग ले जाके अपने घर पे खुद वो प्रयोग करते हैं और उसका परिणाम लेते हैं। बहुत सुंदर, आपने खुद यहाँ पे प्रयोग किया, मॉडल खड़ा किया, अब जब देखने आते हैं उनको भी बांटते भी है। तो किसान मित्र, बहुत ही अद्भुत बात बताई भरत भाई ने। अपने एक नौकरी है सरकारी, आपकी शिक्षण जगत से है आप, तो जैसे कि वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे यहाँ किसानों को पढ़ाते हैं आप और प्राकृतिक खेती की शिक्षा देते हैं। कौन सी फसल में यहाँ पे प्रयोग किया है गौ कृपा अमृतम का? खास करके हमारा ये आम का पौधा दिवाड़ी है जी जी, पिताजी की ओर से मिली है जी। तो उसमें जो बीच की जगह है जी, उसमें हम जो अलवी पान बोलते हैं, अंतर पाक में करते हैं, अंतर पाक में और छांव वाले पाक, तो दो पाक खास होते हैं। ऐसे तो सूरण और कंद वर्ग की पाक भी होते हैं जी जी, मगर थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है फॉरेस्ट का और बूंद का प्रॉब्लम है सुअर का, तो हाँ सुअर का, इसीलिए हमने तो ये अभी खास करके हल्दी, तो हल्दी और अलवी का पान ये लगाए हैं। ये जो खुली जमीन है उसमें हमने मूंग डाले हैं, मूंग डाले अपने। तो ये खास करके ये पाक और हमारी जो आंबा कलम की अच्छी वैरायटी है, तो उसकी हम जो बारिश के समय पर उसका कटिंग करके जो देसी आम का गुठली है उसको बो के जो छोड़ तैयार होता है उस पर हम कलम लगाते हैं। और ये कलम जो नूतन कलम का भी हम बिक्री करते हैं, ये हल्दी का भी है, ये मूंग है, ये वगैरह हम पाक करते हैं। आपने पूरे में ये गौ कृपा डालते हैं। आपने ये गन्नों में कोई विशेष प्रयोग किया लग रहा है, ये क्या गन्ने का ये क्या अंतर रखा है आपने? ये भाई श्री गोपाल भाई का जो हम 26/11/2023 को हम उधर आए थे बंसी गौशाला, भाई श्री गोपाल भाई को मिले, मैं मदन भाई हितेश भाई मेरा दोनों लड़का हर्ष और जिग्नांशु आए थे जी। और आप भगत सिंह भाई ने भी बताया पूरा डेमो और भाई श्री गोपाल भाई ने समझाया पूरा डिजाइन निकाल के, और उसमें खास करके जिक्र किया था जो हरियाणा वाले स्वामी जी और साउथ में तमिलनाडु का प्रयोग जी जी, तो ये पूरा हमको समझ में आ गया। और 8x5 का मॉडल, वैसा ही मॉडल हमको ये थोड़ी छोटी सी जगह में 115 गड्ढे हमने निकाले और ये गड्ढे में 8 से 9 किलो जितना जो हमारा गौ कृपा से जो खास करके कंपोस्ट हुआ गोबर खाद वो डाला, और 2x2 फीट का ये और 5 टुकड़े जो गन्ने का 671 वैरायटी है तो ये डाले हैं। आज आप देख सकते हैं कि उसका टिलरिंग बहुत अच्छा चल रहा है। कितना समय हुआ इसको लगाए? ये हमने फरवरी की 11 तारीख को लगाया, तो फरवरी की 11 तारीख को लगाया है, महीना के आसपास। हाँ, और अभी ये देख रहे हैं काफी अच्छा ग्रोथ है इसका, इतना बढ़िया सा ग्रोथ। ये हमारी एक लैब है, छोटी सी लैब है। तो आपने इसके बीच में भी कुछ क्रॉप लिया है, बीच में जगह रहती है, अंतर पाक में हमने मूंग डाले हैं, अभी मूंग अभी तैयार होने वाला है और इसके बाद में अब क्या लेंगे? मूंग के बाद हम हल्दी लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, अदरक लगाएंगे जी जी, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी का प्रयोग इसीलिए करने चाहते हैं कि हमने 4 साल पहले जो हमारी टोटल बॉर्डर पर हमने हल्दी लगाई, तो जो खास करके सुअर लोग आते हैं तो वो नीचे अपना मस्तक रख के
वो मिट्टी को खोदते हैं, तो उसकी जो धारणेंद्र शक्ति में ये जो श्वास में ये जो हल्दी का सुगंध आ जाता है तो वो खोदना छोड़ देते हैं। तो ये भी एक हमारा लॉजिक है। दूसरा हमने एक ऐसा भी प्रयोग किया है कि ये सभी ये जो आम के पेड़ है ना उसके नीचे भी हल्दी लगाई है, तो ये इसीलिए कि उसका जो आयुर्वेदिक जो खास करके असर है वो आम के फलों में भी मिले। काफी तो, अच्छे प्रयोग किया आपने। ये औषधीय प्रयोग का हमने इसी तरह प्रयोग। किसान मित्रों में हम कहना चाहते हैं, गोपाल बार बार बताते हैं कि इंटरक्रॉपिंग अंतरपाक लेना चाहिए। जैसे उन्हें 8x5 में भी गन्ना लगा है लेकिन बीच में जगह तो खाली है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। बीच में जब मेरा गन्ना बड़ा हो उससे पहले मैं 2-3 फसल ले लूँगा, तो इसमें से मेरी जो जगह का जो सारा खर्चा है मेरा वो निकल जाएगा, बाकी गन्ना पूरा 100% प्रॉफिट रहता है। तो जो लागत आती है खेत की वो एकदम कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी, और किसानों की आय दुगनी से तुगनी हो सकती है। तो बहुत सुंदर मॉडल तैयार किया आपने। ये प्रयोग करने के बाद कुछ बड़ा भी कुछ योजना बनाई है, कुछ बताएं किसान मित्रों को। ये यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है बारडोली के नजदीक जी, तो वहाँ पे हमारा एक मित्र है, तो मित्र की पूरी बड़ी सी जमीन है जी, तो उसने हमको आमंत्रित किया जी। तो हमने हमारे साथ जो गन्ने के बारे में अगले एपिसोड में आप देख भी सकते हैं जी, तो हितेश भाई है, तो हितेश भाई ने अपने 1.25 एकड़ में 1.25 बीघे में 38 टन जितना गन्ना निकाला था जी। तो ये उसको टेक्निकल के तौर से हमने उसको साथ में रखा जी। और उसके पास जमीन छोटी है तो उसको हमारे साथ आमंत्रित किया भाई। श्री मदन भाई ने ऐसा बोला कि आप भी हमारे साथ टीम में जुड़ जाओ। बहुत तो अभी 45 बीघा जमीन में तो ये प्रयोग करने जा रहे हैं, और एक साथ में 30,000 लीटर वो गौकृपा अमृतम बनने वाला है। पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, वहाँ पे हमने 150 से 250 जितना ट्रैक्टर वो देसी गाय माता का गोबर वो डाल दिया है, तो उसका अभी पूरा कंपोस्ट करेंगे। जब जमीन तैयार हो जाएगी तो उसमें ये खड्डे में पूरा डाल के यही प्रयोग हम वहाँ पे करने वाले हैं। ये जो हमारे मित्र है मदन भाई, उसका एक ही विचार है कि अभी मैं अपनी खेती में बिल्कुल जहर डालने वाला नहीं हूँ जी, जी, जी। तो अहमदाबाद पहले आए थे कर्णावती बंसी गौशाला पर जी, और वहाँ से वो पूरा हमारा एड्रेस वगैरह लेके आए, हमको मिले यहाँ पे, और अभी हम उसके साथ जुड़ गए हैं। तो आगामी योजना हमारी है बड़ी से बड़ी तरीके से वो काम करने की। बहुत सुंदर, आपने छोटे में प्रयोग किया, इसको बड़ा लेवल पे लेके जा रहे हो, हमारी शुभकामनाएं। भरत भाई, गोपाल में बार बार बताते हैं कि अधिक मात्रा में देसी गाय का कंपोस्ट किया हुआ खाद और ज्यादा गोकृपा अमृतम, ज्यादा परिणाम, इसमें आपका अनुभव क्या रहा? वो बढ़िया सा अनुभव हमारे दो बात में है कि तो हमने बंटी बनाया है जी, मिलेट में तो एक हमारा प्लॉट था जी, उसमें हमने गोबर वाला प्लॉट था, उसमें गौकृपा छोड़ा था और पूरा कंपोस्ट बनाया था जी, और उसमें से हम निकालने के लिए थोड़ा बाकी रह गया तो ज्यादा था, और उस जगह पर हमने बंटी छिड़क दिया। तो बंटी की जो साइज है, जो ये सागबारा विस्तार में ये 2 से 2.5 फीट का होता है बंटी जी, और उसकी जो कंटी की साइज है वो भी 4 इंच जितनी। तो ये गोबर ज्यादा गौकृपा ज्यादा मिला तो उससे क्या हुआ, 4.5 से 5 फीट का जो बंटी साइज हो गई, बंटी की साइज, और उसकी जो उसका जो थर्ड है तो ये वो भी अंगूठा जितना बड़ा हो, और जो कंटी की साइज है वो एक बैलेंस जितनी 6 इंच जितनी बढ़ गई। तो ये उससे हमको ये बात अभी समझ में आ गई कि जितना ज्यादा से ज्यादा देसी गौ माता का गोबर डालो, ज्यादा से ज्यादा गौकृपा अमृतम डालो, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन परिणाम ले जाओ। तो ये एक बात हुई। दूसरा, हमने ये जो आम के पौधे में भी जितना जहाँ पे ज्यादा डाला था उस पर ज्यादा फसल टिकती है, आती तो मोर तो सब पर आते हैं मगर टिकता नहीं। जहाँ पर ये जितना भी जो मानसून के टाइम से हम लोग उसको लगाते आते हैं तो जितना ज्यादा डालते हैं उतना बड़ा वो बढ़िया फसल आती है, यानी जो फल का जो ड्रॉप रेशियो होता है वो कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताई। तो बार बार गोपाल भी बताते हैं, ज्यादा मात्रा में गाय का गोबर, ज्यादा गौकृपा अमृतम, ज्यादा अच्छा परिणाम, तो इसी को हम अपनाएं और इसी को फॉलो करें। धन्यवाद। आपने आपके फार्म के अंदर बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, काफी किसानों के प्रेरणा के लिए काम किया है, और गौ माता को भी रखते, कितना गोवंश होगा आपके पास? मेरे पास अभी छोटी बड़ी 24 गौ माता है,
और ये विस्तार के लिए जो नंदी का प्रॉब्लम था तो भाई श्री गोपाल भाई को हमने विनती की थी, तो आज से 4 साल पहले हमको एक नंदी भी मिला जी। तो उससे हम गौ संवर्धन का काम भी धीरे धीरे शुरू किया है। ये जो आजू बाजू के विस्तार के लोग जिसके पास एक दो गाय माता है और जो कृत्रिम विज्ञान के बारे में नहीं सोचते वो लोग भी यहाँ गौ माता को लेके आते हैं, तो ये मेहमान गौ माता भी आती है। तो अभी हमारे पास 24 जितनी गौ माता है। गोपाल भाई के वहाँ से नंदी कैसे मिला था आपको? नंदी जो है वो हमने विनती की थी, कालिदास काका ने भी वो बताया कि आप गोपाल भाई के यहाँ से एक नंदी लाओ, तो भाई श्री गोपाल भाई को विनती की तो हमको निःशुल्क नंदी मिला था। हमारे से बाजू वाली अभी गौशाला है यहाँ से टाकल, वहाँ पर भी एक हमारा बंसी गौशाला से नंदी आया, निःशुल्क में आया। ऐसे ही धर्मपुर की एक गौशाला है मुरलीधर गौशाला, वहाँ पर भी निःशुल्क नंदी मिला है। तो यहाँ ये पूरा हमारा जो यूनिट है, हम यूनिटी में सब मित्रों काम कर रहे हैं। तो और जो किसके घर एक दो गाय माता रखते हैं और नंदी वो नहीं पाल सकते, तो उसके लिए ये यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से गाय माता ये जो उसका संवर्धन होते वो अपने घर पे जाती है और उसको बछड़ा बछड़ी देती है, तो वो भी लोग हमको याद करते हैं कि भाई ये काम हमारा हुआ है। बहुत सुंदर। तो गोपाल भाई की जो योजना है निःशुल्क नंदी वितरण, जो यहाँ पे देखा जाए नंदी बड़ी मात्रा में बड़ी कीमत में गोपाल भाई को भी काफ़ी ऑफर होती है, लेकिन उनका भाव है किसान का, गोपालक का, गोभक्तों का अच्छा हो, इस कारण वो नंदी को निःशुल्क वितरण करते हैं। तो आइए हम आपकी गौशाला में चले और आपके नंदी महाराज और गोवंश का दर्शन करें। जिग्नासु भाई, आप यहाँ पे जो किसान मित्र बाहर से आते हैं गोकुल कामरतम का आपका प्रयोग देखते हैं और आपसे ये गोकुल कामरत मांगते तो आप सबको देते हैं, तो किस तरह देते हैं आप? भगत सिंह भाई हमारे यहाँ गोकुल कामरतम का निःशुल्क वितरण करते हैं जी। और शुरुआत में हम भी यहाँ से सिर्फ 1 लीटर देते थे जी जी जी, लेकिन आज हमारे पास हमारी भी शक्ति बढ़ी है। हाँ। तो हमने भी अब पहले 1 लीटर देते थे, लेकिन अब किसान अपना पात्रा खुद लेके आता है और हम इसको 5 लीटर गौकृपा अमृतम देते हैं यहाँ से। और गौकृपा बंसी गौशाला से हमें जो फॉर्म मिला है उसकी हमने जेरॉक्स करवा के उसको फिलअप करवाते हैं किसान से, तो उससे क्या वो किस तरह की खेती कर रहा है, उसके पास गौवंश कितना है, वो कितने बीघे में या कितने एकड़ में खेती कर रहा है, कौन कौन सी फसल ले रहा है जी, वो सब माहिती हमें मिलती है। तो किस तरह फॉर्म फिलअप करते हैं, किस तरह फॉर्म फिलअप कर दिखाएंगे आप? अच्छा, ये पूरी फाइल बना के रखी है? हाँ, हमने ये पूरी फाइल बनाई है जी। तो इसमें अब ये किसान है नवल सिंह भाई, तो वो उनका नाम लिखेंगे, फिर उसका जो एड्रेस है ये दाहोद का एड्रेस है, दाहोद दिख रहा है, दाहोद से यहाँ तक लेने आते हैं। दाहोद से यहाँ तक। वाह, तो देखो किसान मित्र बड़ी लंबी चौड़ी फाइल बना के रखी है बहने, जो जो किसान मित्र यहाँ पे आते हैं उनको निःशुल्क देते हैं। ये वलसाड़ से यहाँ पे आए हुए हैं, वलसाड़ से वापी से भी आते हैं जी जी किसान, सूरत से भी आए हुए हैं। ऐसी मौत अच्छी बनाए रखी है आपने, बहुत सुंदर बात है। और इस तरह आप बोतल सबको देते हैं? हाँ, इस तरह बोतल सबको देते हैं, जिसके पास पात्र नहीं है उसको हम यहाँ से देते हैं जी। बहुत सुंदर, और ढक्कन में छेद भी करके आता है, बहुत सुंदर। देखने वाली बात यही है कि कल्चर हम लेने जाते हैं या कहीं से लाते हैं, तो सबसे बड़ा देखना है कल्चर सही है कि नहीं, सही है कल्चर देख के लेना है, फिर इसके बाद में जो पात्र हो उसके ढक्कन में छेद होना जरूरी है। यदि छेद नहीं है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो बैक्टीरिया खराब हो जाएंगे। और किसान मित्र जो लोग सबको देते हैं इसकी नोट भी रखनी चाहिए, जैसे ये भाई साहब ने दिया लगभग 4,500 से अधिक लोगों को बताया उन्होंने, सबका रिकॉर्ड भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप में बहुत अच्छा डेटा मेंटेन किया है आपने। अभी देखो ये सब नोट हमारे पास नहीं है, ये 4,500 उन्होंने बताया ये नोट हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल एक ही है भरत भाई नंदन गौशाला। तो ये भरत भाई या जिग्नेश भाई इनके जो सुपुत्र है, तो जिग्नांशु भाई की नोट हमारे पास रहती, हम यहाँ कुछ भाई हमारे ध्यान में उन्होंने कितने को बांटा ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता। जैसे लाखों लोग पूरे भारत में इसका सही इस्तेमाल करते, बहुत अच्छा परिणाम ले रहे हैं। तो मित्र आप जो भी किसान बंधु उपयोग करें और किसानों की भी देवे,
यह डेटा भी मेंटेन करे, उनको सहायता भी करे, मार्गदर्शन भी दे। तो किसानों को किसान की मदद करना है, इससे ही अपना खेत समृद्ध होगा, अच्छा गोपालन होगा और भारत वापिस समृद्ध बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासु भाई, आपने अपने परिवार ने भरत भाई ने खूब अच्छे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और गोकृपा अमृत बहुत अद्भुत आपने अलग जगह ही है। धन्यवाद। जय गो माता।